हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको इजी और आसान तरीके से एक करी बनाना सिखाऊंगी। आज हम एक करी बनाना सिखाएंगे। उसके लिए हमें चाहिए 3 बड़ी प्याज कटी हुई, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक टेस्ट के हिसाब से, आधा चम्मच कुटी लाल मिर्च, आधे चम्मच से कम पिसा हुआ जीरा, घर का बना हुआ गरम मसाला आधा चम्मच, थोड़ी सी हल्दी। अंडे को बॉईल करके हमने रख लिया है, हाई फ्लेम पर कुकर को चढ़ा देंगे। अंडे को टूथपिक की मदद से इस तरह से 2-3 बार इस तरह से कर लेंगे। दो बड़ा चम्मच तेल का डालेंगे। जब तेल पूरी तौर से गर्म हो जाए तो उसमें अंडा डाल के थोड़ा फ्राई कर लेंगे। इस तरह से फ्राई हो जाए तो इसको निकाल लेंगे। बहुत जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है। 2 तेज पत्ता, 4 को डाल के थोड़ा फ्राई कर लेंगे। फिर उसके बाद मसाला डालेंगे। जब प्याज इस तरह की हो जाए तो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच और ये सारा नमक, कुटी लाल मिर्च और ये सब मसाला। इसमें ज़्यादा मसाला नहीं डालना चाहिए क्योंकि फिर मसाले से ज़्यादा फिर अच्छा नहीं होता है। जब इस तरह से थोड़ा मसाला भून जाए इसमें 1 प्याला पानी डाल देंगे। एक सीटी तेज आंच पे आने दें, फिर धीमा कर दें। आंच को धीमा कर देंगे और 5 मिनट धीमी आंच पे ऐसे पकने देंगे प्याज को। ये प्याज देखिए गल गई है, अब इसको थोड़ा हम भून लेंगे। नमक आप चख लें, नमक अगर कम हो तो और डाल दें अपने हिसाब से। अंडे को डाल देंगे, धीमी आंच पे इसको पक जाने दें। धीमी आंच पे इसको अब 5 मिनट तक पकने दें ताकि रोगन ऊपर आ जाए। ऊपर से इसे ढकना है, बस। ये पूरी तौर से एक करी अब तैयार है। इस तरह से सालन हो जाए तो उतार लें। हरा धनिया डाल के 2 मिनट, 1 मिनट छोड़ दें, खुशबू आ जाए, फिर इसके बाद निकाल लें। ये रेसिपी बहुत झटपट और जल्दी बनने वाली है। इसको ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।